हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अमेज़न एफिलिएटेड मार्केटिंग के बारे में कि अमेज़न एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होता है और आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ, कोई सा ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है अमेज़न एफिलिएटेड प्रोग्राम। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको जो पहला लिंक मिलेगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रोग्राम होता है वो किन लोगों के लिए होता है। तो अमेज़न कहता है जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, यानी कि यूट्यूबर्स हैं, या फेसबुक पे पेज क्रिएट किया हुआ है, इंस्टाग्रामर है, या फिर पब्लिशर हैं, या फिर ब्लॉगर्स हैं, वो अपने ट्रैफिक को यहाँ पर मोनेटाइज करा सकते हैं और मोनेटाइज करके वो पैसे अर्न कर सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे दिए गए तीन सिंपल से सेटअप को आपको फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला जो सेटअप है वो है अकाउंट साइनअप का। यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है अमेज़न एफिलिएटेड मार्केटिंग का। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है रिकमेंड का, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी में क्रिएटर्स हो, मतलब वीडियोस बनाते हैं या फिर ब्लॉगिंग करते हैं, उस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट को आप अपने यूजर को रिकमेंड करेंगे। थर्ड ऑप्शन आता है यहाँ पर अर्निंग का। तो अर्निंग कैसे होगी आपकी यहाँ पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी आप अपने किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं अपने यूज़र को, तो आपका यूज़र आपके दिए हुए लिंक के थ्रू कोई भी परचेजिंग करता है, तो अमेज़न आपको उसका कुछ परसेंट पे करता है एज अ एडवर्टाइजिंग फीस के तौर पे। इस तरह से आपकी यहाँ पर अर्निंग स्टार्ट होती है। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पर हम फर्स्ट जो सेटअप है उसे फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, साइनअप पे क्लिक करना है। साइनअप पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो में आपको यहाँ पर लॉगिन पेज मिल जाता है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक अमेज़न अकाउंट है तो आप यहाँ डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास अमेज़न अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना है, नीचे आके अपना एक अमेज़न अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक अपना न्यू अमेज़न अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमें क्लिक करना है क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपसे पूछी आएंगी, जैसे आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस और यहाँ पर पासवर्ड। और यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड डालना है। तो इस डिटेल को मैं जल्द से फिल कर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कर ली है। उसके बाद हमें क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए मेरी मेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर मेरे को फिल करना है। तो यहाँ पर मैं ओटीपी डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना ओटीपी डाल लिया है और क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट विंडो में कुछ इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी, एक फॉर्म है जो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पहली डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है वो है पे नेम। पे नेम का मतलब जिसके बैंक अकाउंट में आपको पैसा लेना है, यानी कि आप सपोज अपने बैंक अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं तो आपको अपना नाम डालना है। अगर किसी और के बैंक अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं तो आपको उसका नाम डालना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एड्रेस फिलअप करना है, सिटी फिलअप करना है, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री। तो इस डिटेल को हम सब फटाफट इसको फिलअप कर लेते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कर ली है। तो नीचे आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर भी डालना होता है, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालना है। उस नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अगर आप इसी अकाउंट के पे ही है तो आपको यहाँ पर द पे और लिस्ट अबव करना है, और अगर कोई और बंदा आपके पास इस अकाउंट का पे है उसका नाम और फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर पे ही कर लेते हैं। अगर आप यूएस से रिलेटेड है तो यस करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो करना है। तो हम यूएस के उसके टैक्सेशन अलग होते हैं। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट विंडो में आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट ऐड करनी होती है कि एंटर योर वेबसाइट। जैसे कि मेरे पास अपना यूट्यूब चैनल है तो मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड कर देता हूँ, और मेरे पास एक फेसबुक का पेज है वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और मेरे पे यहाँ पर फेसबुक का भी पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने फेसबुक और यूट्यूब के दोनों पेज ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ मिनिमम आपको एक लिंक करना होता है, मैक्सिमम आप यहाँ पर 50 ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट विंडो में कुछ और आपसे डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे पहले यहाँ पर आपको डिटेल्स भरनी है, जैसे व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी। स्टोर आईडी का मतलब होता है यहाँ पर आपको यूज़र नेम भरना है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना नाम ही डाल लेता हूँ यूज़र नेम में, अगर अवेलेबल होगा तो मुझे मिल जाएगा।
नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स अबाउट, यानी कि आपको जो हमने वेबसाइट और पेज ऐड किया है उसके आपको यहाँ पर अबाउट यानी उसके बारे में यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर मैंने ही अपना अबाउट कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो यहाँ पर मैं मैंने कॉपी कर लिया, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया है, अपने हिसाब से आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स, यानी कि जो आपका जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेरा जो पेज रिलेटेड टेक्नोलॉजी से है, तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कर लेता हूँ। और सेकंड टॉपिक यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अदर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे, तो नेक्स्ट है व्हाट टाइप्स ऑफ अमेज़न आइटम डू यू इंस्टेंट टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट और मोबाइल, यानी कि आपका जो कैटेगरी रिलेटेड है वो आप क्या रिकमेंड करने वाले अपने यूज़र को, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला मैं इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं और होम कंप्यूटर्स एंड ऑफिस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आ जाते हैं, नीचे आता है व्हाट टाइप ऑफ योर वेबसाइट और मोबाइल, मैंने किस टाइप की आपका जो वेबसाइट कंटेंट है या कैसा है वो आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो मेरा एक कंटेंट वेबसाइट है, और यहाँ पर मेरा एक सोशल मीडिया पेज सेटअप है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आना आपको कि ट्रैफिक है मोनेटाइजेशन, किस टाइप से आप अपने ट्रैफिक पे मोनेटाइजेशन कराएंगे अमेज़न एफिलिएटेड पे, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ऑफलाइन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कर लेते हैं, सर्च इंजन कर लेते हैं, सोशल नेटवर्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड ऐप योर जनरेशन इनकम, तो आप मतलब आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो इसको ऑप्शन को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी एफिलिएटेड मार्केटिंग कर लेता हूँ, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी एफिलिएटेड मार्केटिंग सेट कर लेता हूँ, और डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पर आप लिंक कैसे बिल्ड करते हैं। तो हम यूट्यूबर हैं, तो यहाँ पर हम अदर कर लेंगे, तो अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पर कि कितने आपके विजिटर आते हैं, तो हम यहाँ अभी कर लेते हैं 500 टू 5000 कर लेते हैं, आपके अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद है कि वाई और मतलब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली बात है पैसे कमाने के लिए, तो यहाँ पर हम मोनेटाइज कर लेंगे। और उसके बाद आगे कि आपने कहाँ से सुना इसके बारे में, तो हमने ऑनलाइन सर्च कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चर डालना है, तो हम यहाँ कैप्चर को टाइप कर लेंगे। तो यहाँ कैप्चर का टाइप करने के बाद यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को यस कर लेंगे और फिनिश कर देंगे इसे। तो गाइस फाइनली हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा यूनिक एसोसिएट आईडी भी मेरे को मिल गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि 180 डेज़ में यानी कि 180 दिन में आपको यहाँ पर 3 सेल लानी होती है। अगर आप 3 सेल नहीं ला पाते तो आपका जो अमेज़न एफिलिएटेड अकाउंट है वो बंद हो जाता है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको जो लिंक्स होते हैं मतलब प्रोडक्ट के जो लिंक है वो आपको शेयर नहीं करने, बिल्कुल भी व्हाट्सअप पे कोई शेयर नहीं करने, अदरवाइज़ आपका जो अकाउंट है वो बैन हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन कराए, इसे हम लेटर कर लेते हैं, इसे हम बाद में ही भर लेंगे, पर भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भरेंगे नहीं तो आपका जो पेमेंट है वो अकाउंट में नहीं आएगा। तो देखिए हमारा जो अमेज़न एफिलिएटेड अकाउंट है कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो नीचे आएंगे आपको यहाँ पर देखिए समरी मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको मंथली अर्निंग के हिसाब से मिल जाएगा। अभी यहाँ पर जीरो है क्योंकि हमारा नया अकाउंट से। तो नीचे यहाँ पर देखिए ओवर लास्ट 30 डेज़ का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और यहाँ पर इस टाइप में दिस मंथ की समरी मिल जाती है। और नीचे आपके देख सकते हैं यहाँ पर टोटल फीस, टोटल बाउंटीज एंड क्लिक्स सब कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, और यहाँ से आपके प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं आप। तो अब मैं और यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स में जा सकते हैं, तो अर्निंग रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर अर्निंग रिपोर्ट्स भी शो हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपकी अर्निंग रिपोर्ट शो हो जाएगी जब आपके प्रोडक्ट सेल होने लग जाएंगे, तो आपको यहाँ पर अर्निंग्स कितनी अर्निंग हुई, कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, तो सबको आपको यहाँ पर समरी मिल जाएगी। और यहाँ पर कुछ टूल्स है वो सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लिंक कैसे बिल्ड करेंगे, जो लिंक आपको शेयर करना है। आपको क्या करना है, अपने अमेज़ॉन के अकाउंट पर चले जाना है सबसे पहले amazon.in पे। तो यहाँ पर हम amazon.in डाउन लेते हैं। amazon.in पे आने के बाद गाइज आपको क्या करना है, अपना अमेज़ॉन अकाउंट का जो हमने एसोसिएट अकाउंट क्रिएट किया था वहाँ पर लॉगिन करना था। तो यहाँ पर देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूँ, और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को आपको सर्च करना है। तो यहाँ एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर माउस सर्च कर लिया है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका लिंक चाहिए जो मैं शेयर करूँ अपने यूज़र्स को। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक कर लेंगे माउस पे। क्लिक करने के बाद टॉप एंड पे देखिए यहाँ पर एक गेट लिंक का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है, तो इस लिंक को आप कॉपी करके शेयर कर सकते हैं यूज़र पे। आपको यहाँ पर शॉर्ट लिंक से आपको लॉन्ग लिंक चाहिए तो यहाँ पर फिर लॉन्ग भी मिल जाता है, और बेसिकली आपको शॉर्ट ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि शॉर्ट होता है, इसको आप इजिली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस लिंक को आपको समझ में आ गया होगा कि लिंक आपको कैसे क्रिएट करना है। आप किसी भी प्रोडक्ट का लिंक क्रिएट करके अपने यूज़र को शेयर कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं अमेज़न एफिलिएटेड मार्केटिंग को यूज़ करके। तो गाइज ये था अमेज़न एफिलिएटेड अकाउंट के बारे में। अकाउंट क्रिएट से लेकर रिकमेंडेड करने तक और रिकमेंडेड करने के बाद अर्निंग तक पूरी डिटेल्स मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से इस वीडियो में बता दिए है। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।